आज हम बनाने वाले हैं चना दाल, जो कि एकदम ढाबे स्टाइल में बनाएंगे हम, और डबल तड़के वाली हम दाल को बनाएंगे। तो चलिए बातें ना करते हुए हम अपनी डबल तड़के वाली चना दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किरण विलेज फूड में। अगर हम सिंपल खाने की बात करें तो माइंड में हमारे सिर्फ दाल ही चावल आता है और कुछ भी नहीं आता, क्योंकि दाल चावल से सिंपल कोई खाना हो ही नहीं सकता। तो मैं आज आप लोगों के लिए चना दाल फ्राई की रेसिपी लाई हूँ। आप तुअर दाल तो कई बार बनाए होंगे, चना दाल आप एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा। ढाबे वाली दाल को आप घर पे ही बनाकर खाएंगे, मेरे तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आपको आएगा। क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस में कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, खाने को तो सभी तरस रहे हैं। बाहर का खाना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और इस तरीके से चना दाल बनाकर दाल चावल को एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और हाँ, आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी चना दाल फ्राई को। सबसे पहले तो आप लोगों से दिल से सॉरी, क्योंकि साइड में हमारे थोड़ा सा फंक्शन चल रहा है तो वहाँ गाने की आवाज आएगी, उसके लिए प्लीज सॉरी, मुझे माफ करिएगा। और गाने पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी ही आवाज आपको आए। मैंने यहाँ पे चना दाल बनाने के लिए चना दाल ले रखी है, और ये दाल 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम दाल है एक पाव, और आप अपने हिसाब से कम ज्यादा दाल को ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम दाल को अच्छी तरीके से धुलेंगे, एक बाउल ले लेंगे और सारी दाल को डालेंगे, और इसमें डालेंगे पानी, अच्छे से दो तीन पानी से क्लीन करेंगे। चना दाल मैंने धो लिया है, लेंगे हम प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में सारी चना की दाल हम डाल देंगे। मैंने सिर्फ चने की दाल ले रखी है, आप चाहें तो कोई और भी दाल इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे पानी और हम इसे गाढ़ी गाढ़ी दाल को बनाएंगे, पतली दाल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे, बस इतना ही पानी डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्च, और साथ में हम डाल देंगे एक बड़ी इलायची, बीच से हम तोड़ के डालेंगे, इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से देखिए तोड़ के डालना है, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। और साथ में हम डाल देंगे तीन लौंग, इसे भी थोड़ा सा इसे क्रश करके तोड़ के डालेंगे इस तरीके से, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दाल में। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हींग डाल देंगे एक पिंच, थोड़ी सी हींग हम अभी डालेंगे और एक पिंच हम तड़के में डालेंगे, टोटल दो पिंच का हींग हम यूज करेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इससे जो हमारी प्रेशर कुकर में जब सीटी आती है ना, थोड़े से गंदे गंदे से हो जाती है गैस, वो नहीं होगी। इस तरीके से थोड़ा सा लगा देंगे, इससे दाल हमारी बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। मैंने दाल को चढ़ा दिया है पकने के लिए, और दो सीटी आने का वेट करते हैं। जब तक दो सीटी आएगी तब तक हम कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं दाल में तड़का लगाने के लिए। मैंने तीन टमाटो ले रखा है, चार हरी मिर्च छोटे साइज की है, अगर बड़ी साइज की हो तो आप एक या दो ले सकते हैं, एक इंच का टुकड़ा अदरक का, कुछ लहसुन की कलियां, दो प्याज बड़ी साइज की, और यहाँ पे दो साबुत लाल मिर्च, और छोटे तेज पत्ते ले रखे मैंने तीन। सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर रखा है, धुल रखा है। दो सीटी हमारी आ चुकी है, फ्लेम को हम फटाफट से ऑफ करेंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा करेंगे। दो सीटी आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल के ठंडा कर लिया है, और देखिए दाल ऐसी होनी चाहिए, कुछ दाल खड़ी होनी चाहिए और कुछ दाल एकदम मैश हो जानी चाहिए। इसी तरीके से दाल आप भी एक बार बनाकर देखिएगा, और जो आपको काला काला दिख रहा है ना, वो हमने जो डाला था ना बड़ी इलायची और लौंग को तोड़ के, वही दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम तड़का लगाते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच, और अच्छी तरीके से गरम करेंगे। अच्छे से ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, और इसमें हम डालेंगे कुछ हरी मिर्च, और कुछ हम बचा लेंगे दोबारा तड़का देने के लिए, और आधा लहसुन डाल देंगे। आधे लहसुन को हम फिर से तड़का लगाएंगे, डबल तड़के वाली हम दाल बना रहे हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बिल्कुल होटल जैसी। थोड़ी सी अदरक भी हम डाल देंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, और सेम प्रोसेस से हम सारी चीज़ें पकाएंगे, और आधी प्याज को भी ऐड कर देंगे।
प्याज को हम सारा ही डाल देते हैं। अच्छे से हम सारी चीजें भूनते हुए पका लेंगे। हींग हम अभी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 लाल मिर्च और जो हमने तेज पत्ता ले रखा था आपको पहले ही डालना है, मैं भूल गई थी। और अच्छे से हम इन्हें भी पका लेंगे तेल में। थोड़ी देर के लिए सारी चीजें पक चुकी हैं और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर जो हमने काट रखा है, और टमाटर को भी अच्छी तरीके से भूनते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम टमाटो में नमक, इससे टमाटर जो हमारे होते हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने दाल में भी डाल रखा है, इसलिए थोड़ा सा समझ के ही नमक डालना होगा। अच्छे से पकाएंगे भूनते। टमाटर हमारे थोड़े से सोटे हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को हम भूनते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे। फ्लेम को मैंने धीमी रखी है वरना मसाले जल जाएंगे। तड़के वाले सारे हमारे मसाले बनकर तैयार हैं। थोड़ा सा मसाले को इस तरीके से निकाल लेंगे, इतना थोड़ा सा। अभी आपको पता चल जाएगा मैं किस लिए निकाल रही हूँ थोड़ा सा मसाला। और इसमें हम फटाफट से अपनी सारी दाल को डाल देंगे। आप भी एक बार इस तरीके से दाल बनाकर देखिएगा, बहुत ही यम्मी बनती है। मिक्स करेंगे हम अच्छे से सारी चीजें दाल में। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद फटाफट से हम दूसरे तड़के की तैयारी करेंगे। इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल में। आप भी एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा। फ्लेम को हम बंद करते हैं। अब गैस को हम ऑन करेंगे और फटाफट से दूसरा तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल से भी तड़का लगा सकते हैं। तेल को हम थोड़ी सी धीमी आंच में गरम करेंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे राई, साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इसमें हम डालेंगे हींग। आप देख रहे हैं ना जो इसमें आग लग रही है, बस यही बहुत ही भयंकर वाला तड़का है। इसमें हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्च, और जो हमने अदरक ले रखी है, लहसुन ले रखा है, उन्हें भी हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। गैस आपकी थोड़ी सी गंदी हो जाएगी बट टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने थोड़ा सा मसाला निकाल रखा था उसे भी, और अच्छी तरीके से थोड़ी देर पकाएंगे। आप भी एक बार इसी तरीके से तड़का लगा कर देखिएगा। आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में भी तड़का लगा सकते हैं। इस तरीके से हम पकाते रहेंगे, और अब हम फ्लेम को करेंगे हाई और आग लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आप एक बार तड़का लगा कर देखिएगा। ये वाला तड़का बहुत ही ज़बरदस्त होता है, खा के एकदम मज़ा ही आ जाएगा। इस तरीके से दाल को ऐसे हम थोड़ा सा आग इसमें लगने देंगे तड़के में, और फटाफट से इसे हम पकने के बाद डाल देंगे अपनी दाल में। ऊपर से देख रहे हैं ना कैसे आग लग रही है अंदर। बस यही वाला बहुत ही मेन प्रोसेस होता है दाल में, यही तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हमारी दाल को। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और तड़का को दाल में डालेंगे। दाल को हम खोल के तड़का फटाफट से इसमें डाल देंगे, और ये देखिए हमारी भयंकर तड़के वाली दाल बनकर तैयार है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिलीव मी, बहुत ही यम्मी लगेगी आपको ये दाल। अच्छे से मैंने तड़के को मिक्स कर दिया है दाल में, और देखिए आप कितनी प्यारी दाल बनी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी दाल। इसमें हम सबसे आखिरी में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इस तरीके से गार्निश कर देंगे हरी धनिया से। इसमें अब हम सारे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए डालेंगे इसमें 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस की, यानी कि नींबू का रस। बस उससे हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही हम लेमन जूस डालेंगे। और अब हम दाल को अपने सर्व कर लेते हैं। ये बीज था, मैं इसे हटा दे रही हूँ। मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है, और सर्विंग बाउल में हम अपनी दाल को सर्व करेंगे। आप भी एक बार ऐसे बना कर देखिएगा, बहुत ही यमी लगेगी दाल। आप देख रहे हैं ना कितनी यमी बनी है दाल को। देखिए मैंने सर्व कर लिया है। सिंपल खाने की बात करें तो दाल ही चावल माइंड में आता है, और कुछ भी नहीं आता। तो अपनी दाल को हम सिंपल चावल के साथ सर्व करेंगे।
थोड़ा सा हम प्याज के स्लाइस भी रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि दाल के साथ प्याज बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार इस तरीके से दाल के साथ प्याज खा कर देखिएगा, मजा ही आ जाएगा। साथ में हरी मिर्च भी। और दाल को हम अपने इस तरीके से थाली में सर्व कर लेते हैं। आप पूरे गर्मी इसी तरीके से दाल चावल बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा और टेस्टी भी दाल इस तरीके से बनती है तो लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और गर्मी में ऐसी हेल्दी खाने को बनाकर इंजॉय करिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।